भीड़ देखो अब यार, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही ना आज। चलो सब लोग लगाते हैं। यहाँ पे ना पार्किंग ही नहीं है। अच्छा, फ्लाईओवर के नीचे से वहाँ से राइट मार देना। दूर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा दूर से हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग ट्रेन से आओ, क्योंकि ट्रेन में बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप लोग इधर से ही हो, लोकल हो इधर के, तो कार की जगह आप लोग बाइक या स्कूटी से आ सकते हो, क्योंकि वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग गाइस। आज के इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग दोपहर के करीब 11 बजे। सबसे पहले तो गाइस आज है सोमवती अमावस्या, तो दोस्तों आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ हरिद्वार, और सोमवती अमावस्या का स्नान करवा के लेके आने वाला हूँ आप सभी को। तो आप लोग इस व्लॉग को छोड़ के मत जाना गाइस, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे, मतलब क्या क्या होता है हरिद्वार। मैं अभी दूसरी बार जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इधर से हरिद्वार कितना ज्यादा दूरी पे है। तो गाइस मेरे इधर से देख लो हरिद्वार विकास नगर उत्तराखंड, हरिद्वार भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो इधर से गाइस मेरे को 2 घंटे और 24 मिनट लगेंगे, 87 किलोमीटर की दूरी पे है गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं, आज के इस व्लॉग में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, मतलब पूरी जानकारी कि हरिद्वार में क्या क्या है और कैसा है गाइस हरिद्वार। कई लोगों ने तो देख रखा होगा, कई तो बहुत बार आए होंगे, कमेंट करके बताना जो जो हरिद्वार आया है। और कई लोगों ने गाइस नहीं देखा होगा हरिद्वार, तो वो मैं उन सबको इस वीडियो में लेके चलूंगा, मतलब जो भी देख रहा है मैं सबको आपको हरिद्वार लेके चलूंगा गाइस आज। तो चलिए गाइस चलते हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं, 12-1 बजे के करीब हम लोग हरिद्वार पहुंच जाएंगे इधर से। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल लगभग 2360 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी भाग में है। और हरिद्वार में 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हरि का द्वार हरिद्वार, यहाँ गंगा नदी के होने से ये धाम और भी ज्यादा पावन और पवित्र बन गया। तो चलिए आज हम लोग उसी पावन स्थान के दर्शन करके आते हैं, और साथ में सोमवती अमावस्या का गंगा स्नान करके आते हैं। फाइनली गाइज अभी हम लोग कुछ ऐसी जगह पहुँच गए हैं, बाकी कम से कम हम कितना किलोमीटर आगे मैं आपको दिखाता हूँ स्कूटी ऑन करके। मीटर मैंने जीरो करा था यार, और कार लेके नहीं आए हम लोग, स्कूटी लेके आए हैं। 43 किलोमीटर आ गया गाइस हम लोग, मतलब ये जीरो करा था मैंने मीटर, तो 43 किलोमीटर आ गए हैं। तो मिल लो आप लोग रितु से। हेलो सबको, मैं बहुत ज़्यादा थक गई गाइस, गाड़ी में आने की आदत है ना इसको, कार में तो नहीं, मुझे आदत नहीं है। नहीं है, बाकी कुछ ऐसी जगह पहुँचे हैं गाइस। बाकी इधर से ना ये हरिद्वार वाला ही रोड जाता है आगे। इधर से कितना है ऋतु? 47 और है, 47 मिनट रह गए इसमें, तो ऐसा ही दिखा रहे हैं आगे पता नहीं। तो चलिए गाइस चलते हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और बहुत ज्यादा मतलब मौसम भी सही है, थोड़ी थोड़ी धूप है लेकिन कोई बात नहीं है ना, थोड़ी धूप नहीं बहुत ज्यादा है। तो चलो चलते हैं गाइस, ये पीछे ना देहरादून रह गया, इधर से पीछे देहरादून है, तो चलो चलते हैं भोले शंकर का नाम लेके। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिख लो। हाँ इधर से देख लो आप लोग, हम यहाँ तक पहुँच गए, अब इतना रहता है, तो चलो चलते हैं, वहीं मिलते हैं आप सबसे। वैसे तो गाइस काफ़ी सारी सुविधाएं हरिद्वार आने के लिए, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा दूर से हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग ट्रेन से आओ, क्योंकि ट्रेन में बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप लोग इधर से ही हो, लोकल हो इधर के, तो कार की जगह आप लोग बाइक या स्कूटी से आ सकते हो, क्योंकि अगर गाइज आप लोग कार से आए तो काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है देहरादून। अब गाइज इससे आगे रीत चलाएगी तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाऊंगा यार, बाकी कुछ ऐसी जगह पहुंचे भाई, इतना ज्यादा गाइज मजा आ रहा है ना, कमेंट करके आप लोग बताना आपको आ रहा मजा या नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी जगह है गाइज कसम से। अब सीधा यही रोड है आगे तक हरिद्वार के लिए। टाइम दिखाता हूँ गाइज मैं आपको, क्या टाइम होगा, 2 बज गए गाइज पूरे। इधर से नीचे जाना है आगे से थोड़ा। लेकिन एक छोटा सा क्रॉस कटिंग रहेगा ऐसा फ्लाईओवर के नीचे से, वहां से राइट मार देना। दूर है क्या थोड़ा?
3 किलोमीटर है। चलेगा इस फ्लाइंग ओवर रहेगा, पता नहीं कहाँ रहेगा। ये देखा कितना प्यारा मंदिर है, हरे की पौड़ी दिखाएंगे हम आपको, है ना। हरे की पौड़ी नहाने जाएंगे गाइस हम लोग। गोरिल्ला अंदर फाइनली हम लोग पहुंच गए यार हरी की पौड़ी, हल्की पौड़ी जो भी बोलते हैं गाइस। तो चलो इधर कपड़े कपड़े निकालते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं और डुबकी लगाते हैं हरिद्वार में, और आपको भी लगवाता हूँ मैं डुबकी। गाइस इधर से ले लिया मैंने एक कैन सा, भाई घर के लिए गंगा जल लेके जाऊँगा। ये गाइस आप लोगों को मिल जाएगा 70 रुपये का। तो चलो गाइस चलते हैं, भीड़ देखो आप यार, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही ना आज। हर हर गंगे, स्नान करते हैं उसके बाद आपको भी करवाता हूँ मैं स्नान। बहुत गर्मी हो रही है, वही दुनिया देखो यार कितने ज्यादा लोग हो रहे हैं। ऐसे नहा लोगे? चलो नहा लो फिर, नहाओ। नहाओ नहाओ, अरे तो नहाओ ना, ठंडा क्या है, डर नहीं क्या? ये पकड़ लो, ये पकड़ लो ना, जाओ फिर। पहले इसको नहाने बैठो, उसके बाद मैं जाऊंगा। चलो सब लोग लगाते हैं डुबकी, आजाओ रहने दो भाई, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। चलिए भाई बहुत ठंडा पानी है यार। हर गंगे तो पकड़ो, हम कह रहे हैं कि लगाओ डुबकी फिर। तो चलिए गाइस नहा लेते हैं, आप तब तक सिनेमैटिक चेक करो यार। वो तो कुछ नहीं था।
ओम नमः शिवाय। हेलो इतनी भीड़ हो रही है। तो गाइज अभी हमारा नहाना नहुना हो गया और मैंने आपको हरिद्वार दिखा दिया। बाकी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो आज के व्लॉग को मैं इधर ही रोक रहा हूँ। तो आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अनुष भाई मिलेंगे आपसे कल एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर गंगे जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, बाय, टेक केयर गाइस।